नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों को देते हैं विस्तार। नेहरू ऊर्जा उद्यान पार्क के सौंदर्यकरण की कवायद शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट रितु पुनिया ने पार्क का निरीक्षण कर ईओ निशा मिश्रा को नियमित साफ सफाई करने का निर्देश दिए। साथ ही सफाई कर्मियों की सूची फोन नंबर सहित अंकित किए जाने को कहा। विद्युत व्यवस्था व टूटी दीवारें ठीक कराने के साथ फव्वारे लगाने व बंद पड़े फव्वारों को जल्द ठीक कराने व टूटी टाइल्स बदलने के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद के सभी पार्कों का सौंदर्य कराया जाएगा, जिससे पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खंड इटावा स्थित ग्राम पंचायत चूही ग्रांट में आज मंगलवार लगभग 12 बजे के आसपास एक गरीब परिवार का पूस का मकान जलकर खाक हो गया। घर में रखा खाने पीने व कपड़ा बिस्तर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। चूही ग्रांट निवासी लाली पत्नी छेदी लाल 40 वर्षीय अपने बच्चों के साथ घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। अचानक आग की चिंगारी कहीं पूस पर जा पड़ी। जब तक महिला कुछ समझ पाती तब तक आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी। आनन फानन में बच्चों को आग की लपटों से बचा पाई। काफी शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे, तब तक पूस के मकान में रखा खाने पीने व 5,000 नकदी सहित कपड़ा वगैरह जलकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पति छिदी लाल अभी हाल में मुंबई से घर आकर एक ईंट भट्टे पर काम कर रहा था। पीड़ित परिवार के खाने पीने व रहने के लाले पड़ गए हैं। मौजूदा ग्राम प्रधान शकील अहमद ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर हाल जाना और अग्नि पीड़ित के प्रति दरिया दिली दिखाते हुए अपने निजी खाली पड़े मकान में रहने के लिए जगह दी। कौन नदपुर पकरी बरवा सकुल संसाधन केंद्र राजकीय मध्य विद्यालय में हीरा साह पकरी बरवा की विदाई धूमधाम से की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार भूव, पूर्व विधायक बीडीओ पकरी बरवाह, कौनंदपुर पंचायत मुखिया एवं अन्य प्रधानाध्यापक ने माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किए। इस कार्यक्रम में छात्राएं दीपा, पूजा, सोनाली, रूपाली स्वागत गीत गाकर मंच पर सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का अभिनंदन किया और अंत में इन छात्राओं शिवानी आसिकी, पूजा रानी, मेघा मुस्कान, आस्था एवं छात्र गुलशन अमन अपनी आंखों में आंसू झलकाते हुए उनको विदाई गीत गाकर अपनी अंतरात्मा से भावना से प्रकट किया। इस समारोह में उपस्थित शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं बड़ी धैर्य और शांतिपूर्ण से लोगों की बातों को सुनकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वो आपको हमेशा इज्जत करते हैं, दिल में बसाते हैं, मुझे लगता है कि वो हमेशा आपको उसी तरह से आपको इज्जत देंगे और आप भी इन लोगों को जरूर याद रखेंगे जब भी इधर आए तो लोगों को अपना समय दें। ये आपसे